तिवारी जी, किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है और क्या लग रहा है आपको? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए जनता को वो आह्वान किया जा रहा है, रोजाना प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार के बाद वैक्सीन की संख्या उतनी नहीं है जितनी जनता इकट्ठी हो जाती है। दूर दूर तक दो दो चार चार किलोमीटर तक के लोग आ जाते हैं और किस तरीके से यहाँ लोग खड़े हुए हैं। जब सरकार कह रही है दो गज दूरी का पालन करना जरूरी है, वैक्सीन लगवाना जरूर लोग आए, सुरक्षित होना चाहते हैं, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहते हैं, लेकिन इतने चुपके खड़े हुए हैं। यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, जितने लोग हैं उतनी ही वैक्सीन अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो अव्यवस्था फैलती है। थोड़ी देर में पता पड़ेगा वैक्सीन खत्म हो गई, लोग सुबह के लगे हुए, कोई 6 बजे का लगा है, कोई 8 बजे का लगा है, तो ये बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। सरकार को वैक्सीन की संख्या बढ़ाना चाहिए और एक गली मोहल्ला निर्धारित कर देना चाहिए, उसी जगह का लगाया जाना चाहिए, ताकि ये अव्यवस्था नहीं पहले जो यहाँ फैल रही है। गरीब जनता अपना काम धंधा छोड़ के आ रही है, सरकारी कर्मचारी अपना काम छोड़ के आता है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, क्योंकि लोग रोज परेशान हो रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं है, अगर इसमें से कोरोना पीड़ित कोई होगा तो कोरोना जरूर फैलेगा। कोरोना रोकने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम, लोग इसलिए इतने सट के खड़े हुए हैं कि उन्हें लग रहा है हमारा इंतजार जो है वो कब पूरा होगा, कब वैक्सीन हमें लग पाएगी, इस चक्कर में वो लोग यहाँ खड़े हुए हैं और वो अपना सोशल डिस्टेंस भी भूल गए, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंस का उन्होंने पालन किया तो बीच में कौन लग जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। भोपाल का गणेश मंदिर बाग से बन गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है न, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस मौजूद है। इस तरीके से टीकाकरण कराने का सरकार का क्या मत है और ये क्या कोरोना बचाने के लिए है या कोरोना फैलाने के लिए? सरकार के व्यवस्था पर ये एक बड़ा सवाल है, इस तरीके से वैक्सीनेशन करा करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? पंकज अग्निहोत्री, ईटीवी भारत के लिए भोपाल से।